बढ़िया से पाइप बना के रखे हैं। बहुत अंदर में हो कम से कम। वाह, ये है टेक्निक। देखो हाथ से पकड़ रहे, दुनिया बोर का निकल रहे थे। सेवन जी, नमस्ते सभी को, स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड, जैसा कि अभी हम सीधा जंगल पे पहुंच चुका है और ब्रदर जो है अपना जर्नी से घर को पहुंच चुका है। दो तीन दिन हो चुका है घर को पहुंचा हुआ एंड बहुत ज्यादा बारिश था, दस बजे हम ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था। एंड हाँ, आज का वीडियो होने जा रहा है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। याहिरू के पास जैसे कि वापस हम आज को जा रहे हैं, ऊपर की ओर दोनों गया हुआ है। जो चींटी होते हैं खाने लायक, तो उसको देखनी है चींटी दुनिया आज। इसके बाद जो मछली होते हैं पोरंग बोलते हैं शायद, मछली का लोकल ट्रेडिशनल जाल होता है बेम्बू का, उसको पानी में रखने जाएगा यहाँ से आगे पे। उस दिन जहाँ पे हम लोग मछली पकड़ने गया था उसमें अनफॉर्चुनेटली मछली तो नहीं मिला। जाल को किस तरह से लगाएगा, कैसा कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा आज का वीडियो। तो हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले लाइक कर देना, इसका वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए अभी आगे पे मिलते। देखो भाई साहब, रास्ता किस तरह से एकदम स्लिप है। वो देखो दोनों ऊपर पे, दोनों को कुछ मिला ही नहीं। ओ करूँगा, ये चींटी है बोल रहे हैं अंदर में, खाने लायक वाला समय का। इस तरह से लकड़ी को आवाज़ से ही लोग पता करते हैं। खोखला है, दैट मीन्स अंदर पे होगा चींटी ढेर सारा खाने लायक है बोल रहे। इसको बोल रहे कि ये लोग अभी नहीं करेगा, नहीं सीखिएगा बोल रहे, क्योंकि कुल्हाड़ी लेके नहीं, कुल्हाड़ी लेके आता था करता बोल रहे। तो अभी जैसा कि रास्ता की ओर पहुंच चुके और हम लोग जो गाड़ी है पीछे में रखा है, आगे में और भी ज़रा ख़राब होगा बोल के हम लोग पैदल नदी की ओर यहाँ से बढ़ेगा। यहाँ से बहुत दूर होगा सफ़र। फ्रेंड्स ये देखो, ये कंफ्यूज हो चुके थे। ओ तो अंगूना कोई अंगूना करो भैया, असली गए ठीक है खाने वाला है। ज्यादा होने से ठीक है, स्किन को छिलके इसको खा सकते हैं ना ये वाला को। ये देखो ये जो मेंढक है इसको खा सकते हैं, बोर रहता है यही लोग। ये भी अलग अलग प्रकार प्रकार का होता है, कोई खाया जाता है तो कोई जहरीला होता है। सो इसको छोड़ दिया, ये भी लेकिन खाया जाता है बोल रहा था, लेकिन एक तो ये तो छोड़ दिया इसको। ये देखो अंडा किस तरह से इतना सारा, बिल्कुल शाम जैसे थोड़ा देर के लिए तो हम भी चौंक गया था। ये देखो आप, ये तो भाई साहब अंडा देने से कितना पैदा हुआ यहाँ से। चलो उसको वहाँ पे रहने देते, अभी बारिश का समय है ना, तो मेंढक वगैरह भी बहुत निकालेगा। ये देखो यहाँ पे रास्ता एकदम तो किस तरह से बिल्कुल फिसलन भरा है गाड़ी जाने के लिए। तो आखिरकार ये देखो पहुंच ही चुका है हम लोग जगह में। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडा है जगह। वाह कितना ज़्यादा फ्रेश है पानी का, देखो कितना साफ है बिल्कुल। यहाँ में पॉलीथीन वगैरह कचरा दिखाई नहीं देगा एक भी, क्योंकि ये लोगों का पहुंच से बिल्कुल दूर है। अच्छा है, इसी तरीके से साफ जब दिखता है आप खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। अदरवाइज इधर उधर कचरा जब फैलाते नेचर के लिए भी ख़राब है और दिखने में भी बहुत ख़राब लगता है। इसके लिए कहीं पर भी जाने से अपना कचरा को साथ में लेके जाना है, जला देना है। और ये देखो यहाँ पे सब्जी ही सब्जी है, ये है वही मेरा ग्लोव्स, देखो सुंदर है फटके बेटा। यहाँ में एक्चुअली लास्ट टाइम हमको वो जो काटा गया था उसके लिए हम पहना गया, गर्म रहो बोल के, ठंडा लगने से और भी पानी बिजने से दर्द देते हैं जो लेडी काटा था। बाय द वे ये सब्जी को बोल रहा था, ये देखो वही ये बात में तोड़ लेगा। इसके बाद ये देखो उमे टांकी है सब्जी, और भी होगा, ये नदी के सामने में बहुत निकलता है, बाद में तोड़ लेगा नीचे में और भी होगा। ये इसमें भी है, बहुत टेस्टी होता है। देखो ये है हम लोग आज का जाल, लोकल जाल है, इसको लोकल में ये क्या बोलते हैं, वो बेम्बू का बास्केट है, सपूर। अच्छा इसका मदद से आज ट्रेडिशनल स्टाइल में जाल बिछा दिया जाएगा ना। वाह दैट्स अमेजिंग। कभी कभी जब मिलता है तब पूरा यहाँ में इतना इतना तक भरती तब भी मछली मिल जाता है, कोई आपका लक होना चाहिए और एक्सपर्ट के मुताबिक तो होना चाहिए बोले समय पर। शायद केला का सब्जी होगा ऊपर पे, उठने का जगह नहीं बोल रहा था।
पानी को पार करना पड़ेगा बोल रहे थे यार, बाप रे बहुत ठंडा होगा, पानी कर पाएगा कि नहीं? मेरा तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं आज इतना, तो ट्राई करते हैं कर पाते कि नहीं, बात में देख लेते। तो अभी ये जो दिख रहा है ये है, इसको मुरुंग बोलता है यहाँ पे लोकल में, मुरुंग ना, यहाँ में मछलियाँ अंडा देने जब उठता है ऐसा में उठता है ना छोटा पानी में ना, तो यहाँ में अभी जाल बिछेगा ना। वाह बहुत बढ़िया, इसको एक्चुअली बहुत महीना के लिए ऐसा ही पानी में रख देता है, लेकिन इसको आप लोग कोई भी किसी का भी इस तरह से नहीं कर दे सकते, अगर पकड़ा ही बोलने से आपको बहुत बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा, तो आप कहीं में भी दिखते हैं बोलने से इस तरह का, सिर्फ दिखते हैं हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाने, अगर मालिक खुद से आपको अलाउ करते हैं बोलने से तो कोई बात नहीं। ये देखो ये पूरा पहाड़ से निकल रहे पानी, ज़ोर से बारिश देगा और ज़ोर से मौसम बिजली कड़केगा तभी यूजुअली जो मछलियाँ अंडा देने के लिए इस तरह का छिछला पानी में साइड में उठ जाता है, एंड अंडा देने के लिए जो वापस चला जाने के लिए घोटे वो सब इसमें फंस जाता है। देखो पानी किस तरह से तेज़ी से आ रहा है यहाँ से मछलियाँ, ये जो पानी दिख रहा है यहाँ से समय में मछलियाँ क्या करेगा, यहाँ से उठेगा, यहाँ से उठ उठ के एक ही में अंडा देने के लिए वो लोग आ जाएगा, तो यहाँ में कैच हो जाएगा। इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये देखो बढ़िया से लग चुका है, रेडी हो चुका है पूरा का पूरा, पत्ता से कवर किया है, एंड वहाँ पे मछलियाँ जो अंडा देने के लिए कोई कोई तो वो हो जाएगा, अंडा देने का यहाँ पे बिल्कुल फंस जाएगा। अभी ऐसा लग रहा है नॉर्मल सा, बट मछलियाँ जब फंसेगा तब इंटरेस्टिंग होते हैं। आप लोग में से भी कोई कोई नहीं दिखा होगा, हम भी फंसते हैं। ये नदी के आसपास बहुत सारा खाने लायक सब्जी है, ये ओकुमामंग बहुत स्वादिष्ट होता है। देखो यहाँ में इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इस तरह से इसको बिल्कुल बॉयल करके खा सकते हैं, और ऊपर का नज़ारा देखो पूरा बढ़िया है, सुंदर है। सब्जी तोड़ लेता हूँ, बहुत ज़रा अच्छा था खाने के लिए, हमको तो बहुत पसंद है। सब्जी ही सब्जी है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, फटाफट निकाल लेते हैं, यहाँ से पार किया गया है पानी को। तो अभी चलते चलते एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा एक फ्रूट दिख गया है, आई थिंक फल है और सब्जी है दोनों है। ये देखो यहाँ पे आगे पे रोड़ी सब्जी भी है, रोड़ी सब्जी का पीछे छिपा है डुम्बोलपांग नाम से इसको जाना जाता है। ये देखो इसका पहचान इसका यही होता है, स्टेम बिल्कुल रेड रेड होता है, एंड ये वाला तो फिर भी इतना हेल्दी नहीं है, जो हेल्दी होता है इतना मोटा मोटा होता है। नीचे का हिस्सा पर इसका बाकी लैंग्वेज में क्या नाम है, इसका पत्ता ऐसा होता है, पत्ता भी काफ़ी खूबसूरत है रेड रेड करके, बहुत ही दिखने में सुंदर है, काफ़ी दिखाते हैं नमक मिर्चा देखने रहेगी नीचे तो। बड़ा खट्टा है, दूर पहाड़ पे से मिलता है ये चीज, आसपास में नहीं मिलता है, और बहुत रेयर है ये चीज भी। लोकल नेम है डुम्बोरपांग, नमक मिर्चा के साथ बहुत ही अच्छा होता है खाने के लिए।
यहाँ पे उमे तंके सब्जी ढेर सारा है, एकदम हेल्दी हेल्दी है। आप लोग का उसमें भी लोकली हो सकता है, जो गांव से देख रहे हैं इसको देख सकते हैं पत्ता किस तरह से, इसको कच्चा भी खा सकते हैं। वाह ये देखो साग जैसा देता रहा टेस्ट, साग उम्मीद आगे सब्जी कच्चा भी खा सकते हैं बोल रहे यहाँ तो काफी दिखते हैं। थोड़ा साग जैसे, चलिए भरा लेते हैं उसके बाद और मिलने से और तोड़ लेते हैं घर के लिए भी। तो फ्रेंड्स अभी ऊपर की ओर उठ चुके हैं, बहुत थक गए एंड यहाँ पे यही न्योदो जो कुछ दिखा रहा था, जो आलू होते हैं जंगली जो रिमेट बोलते हैं इसको, यहाँ में लोग के लिए देखो पूरा गर्म लग चुके हैं वहाँ आँखों दूर न अन्य लोग का जिर वही इसको पत्ता से पहचाना जाता है, पत्ता को पक रहे बोल रहे हैं यानी कि पत्ता जो रेड रेड करके दिखते है इसको भी अच्छी तरीके से पहचानना पड़ता है, नहीं तो इस तरह का जंगलों पर काफ़ी सारा दिखता है सेम। ये देखो धुना जा रहा है बहुत ज़रा, ये होते मुश्किल होता है इसको दिखने के लिए। इमुलो हीरा पिछला साल का बोल रहे जो भी निकला इसका आधा निकल गया, आधा को नहीं सीख के छोड़ दिया और आधा से ये जो वापस निकल गया जो ये बहुत अंदर पे होगा। जैसी भी चाहिए इसको ही किन मापे जैसी भी चाहिए बोलो यहाँ तो मजाक नहीं कनम को आग कर हुआ है पहले बोला कोई बोलो चंदे। ये देखो इसको आधा तक नहीं सीखा इसको, ये कम से कम 10 मीटर तक जाएगा। बाप रे चलो छोड़ दो इसको, कभी दिन अगर सही समय मिलता है बोने से तब कर लेगा। तो इसको यहाँ पे हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, ये जो आलू है कभी दिन टाइम मिलने से जरूर आएगा हम लोग वापस इसको करने के लिए, या फिर इसको नहीं करने से भी और भुनेगा तब दुलंजे ना बोले ओ कब उनको आको कम करूँ बोरे और हाँ अभी अभी जैसे एक चूहा बिम्बू को अंदर में छिपा था भाग गए। और अभी जंगल का अंदर वापस घुस चुके हैं हम लोग, जो चींटी होता है खाने वाला उसको तलाश कर रहे हैं। अभी सीजन का शुरुआत है, जो चींटी होता है मेरा भी एक वीडियो हम डाला था ये कि मैं देखा रहा होगा स्क्रीन में, उसको देख सकते हैं किस तरह से एक्चुअली खाने वाला। यहाँ पे शायद यही ने एक दिख गया वाइट वाइट करके ना। हाँ तो यहाँ से इसको हाथ से हिलाएगा तो यहाँ पे पूरा गिर जाते हैं अंडा जो बिल्कुल बेझिझक खा सकते हैं, और यहाँ पे समय पे भी खाया जाता है इसको। वो देखो धीरे धीरे सफेद सफेद करके दिख रहे हैं, चींटियों का सामना करते हुए इसको करना पड़ता है। देखो तुम रे ये सिर्फ चींटी इतना सारा है इसमें वो नहीं है, जहाँ में होता है वहाँ पे बहुत सारा जैसे कि देखने को मिल जाते हैं। तो अभी समय नहीं आवा चींटियाँ देखो भाई सब इसको फंस के रहने समय पे, लेकिन आप लोग हम कभी दिखाएगा बहुत कम है इस बार, ये तो जब होता है ये पूरा बहुत सारा होता है यहाँ पे लकड़ी से बना हुआ है, अच्छा भी खा सकता है इसको। वाह ये है टेक्निक।
बस इतना ही है। नेक्स्ट टाइम के लिए देखो इसको करने के लिए वापस लगाया जाता है पत्ता वगैरह, ताकि ये नेक्स्ट समय भी इजीली कर पाए बोल के, तो इजी हो जाएगा करने के लिए। लेट्स गो, चलते हैं ऊपर। अब इसको बांध चुका है यहीं पे। बूम, डायरेक्ट रास्ता में गिर गया। पर सिरा तला वहाँ से खटरा सीधा यहाँ पे गिरा। वो है ना, ये बढ़िया। चलो निकाल दो, जो निकाल चुका वाला भी मजा नहीं है ना। ये पार पार पी। ये है लोकल सब्जी तुम्हारा। को दिया था वो। नहीं ले रहे तो यहाँ पे घुसा रही थे। बस देखो आते समय हम लोग किस तरह से यहाँ मेन रखता। यहाँ तो लेके जाएगा बोल रहे अंदर पे। पहले एक था, अभी कितना सारा है आते समय दिखाई तो। देखो हाथ से पकड़ा है। तिगा बोलते ना ये। देखो यहाँ पे भी अब हो वो कौन है। येल्लो है, अलग है ना, हल्दी कलर है ना, पूरा हल्दी है। इसका स्किन को छिलके वो करते है ना खाते। वाह अमेजिंग। दो दिन रह गई तो आधे समय एक ही था, इतना सारा कहाँ से आ गया। एक दो बार, एक दो तीन चार पाँच छः सात बार सात सेवन। एक केजी का था कोका केला बुझी को रही कुछ कमाई है ना। बोलो चुपी तो ना पड़े। अब अमंगल आएगा होगा और भी हमें अंडा देने का ऐसा लग रहा है। मिल गया ये मजा ला। मीट मिल गया प्रोटीन। तो हाँ फ्रेंड्स, अभी जैसे कि आराम वगैरह कर चुके हैं, अभी यहाँ से होके पहुंचेगा अभी सीधा घर की ओर। तो अभी घर की ओर चलिए मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे कि अपन घर पहुंच चुका है एंड ब्रदर को सबसे पहले तो मिला था इतना दिनों से। आप लोगों ये चैनल पे ब्रदर को भी नहीं मिला। स्वागतम, कैसे हो सर? अमिंग ताराम में। तो अभी जस्ट हम भी कमेंट रिप्लाई कर रहा था आप लोगों का, क्योंकि कोई कोई है जो कि मेरे वीडियोस को देखता है, तो उन लोग हम कमेंट कर दे रहा था, इतना प्यार दिखा रहे, थैंक यू। ये मुरा वगैरह बना रहे हो उसको वैसे ये ब्रदर के चैनल पे देखने को मिल जाएगा। कैसे कैसे प्रोसेस होगा। और ये रहा, यहाँ पे है बनाना का जो फ्लावर सब्जी है उसको हम बॉइल करके रखे। वहाँ पे बिल्ली सोने का ठिकाना लगा बनाया। यानी इसको इस तरह से निचोड़ के फ्राई करके आज खाएगा। देखो आज का सब्जी मिक्सचर सब्जी है, तरह तरह का पूरा एक साथ डाल दिया। उबलता बॉयल पानी में बॉयल कर दिया। अभी जैसे कि अपना खाना पीना पक चुका है एंड आज कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बनाया। ये जो फ्लावर है बनाना का उसको बनाए। ब्रदर भी यहाँ पे दोनों साथ में डिनर करते हैं। अभी बहुत भूख भी लगी है, बहुत लंबा सफ़र करके है। चलिए खाना पीना खा लेते। वाह, अभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं, इसमें मसाला इतने ही है, जस्ट नॉर्मल फ्राई है। ओ
फ्रेंड्स अभी डिनर हो चुका है अपना एंड आज थोड़ा तबीयत खराब था दैट्स व्हाई थोड़ा ब्लॉगिंग में भी अन एनर्जेटिक दिख रहा था होगा एंड यही कोई भी हम जंगल में भी नहीं बताए अभी सीधा आने वाला ब्लॉग में मिलेगा एंड मेरा तबीयत होपफुली आने वाला ब्लॉग में एनर्जेटिक के साथ आए तो सभी लोग प्रार्थना कर देना हमारे लिए सो सभी आज के लिए टाटा गुड नाइट जय हिंद जय भारत।